मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आम का खट्टा अचार बनाना बताती हूँ। आम का खट्टा अचार बनाने के लिए मैं मार्केट से यहाँ पे 1 किलो कटा हुआ आम मंगाई हूँ। उसको अच्छे से धो करके और तेज़ धूप में 1 दिन के लिए सुखा ली हूँ। उसके बाद उसमें 2 चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी और 2 चम्मच नमक मिला करके 1 दिन और छोड़ दी हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पर मसाला तैयार की हूँ। इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच से साबुत धनिया है, 2 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है और 1/2 चम्मच साबुत मेथी दाना है, 10-12 लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च। और इन सारी चीज़ों को मैं कढ़ाई में डाल करके गैस के ऊपर रोस्ट कर ली हूँ हल्का सा। और जब गैस बंद कर दे तो करने के बाद इसमें 4 चम्मच मैं पीला सरसों डाल दी हूँ। और डालने के बाद हल्का सा चलाने के बाद इसको ठंडा कर ली हूँ। और उसके बाद मिक्सी में डाल करके इन सारे मसालों को मैं यहाँ पे पीस ली हूँ। और एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करके उसमें 1/2 छोटी चम्मच से हींग डाल करके और उसको तेल को ठंडा कर ली हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं आम में मिक्स करूँगी। यहाँ पे पिसे हुए जो मसाले थे उनको मैं ऐड की हूँ। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच और हल्दी और 2 चम्मच बड़े चम्मच से इसमें नमक और हींग वाला तेल जो ठंडा किया हुआ था उसको ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सारे मसाले आम के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और उसके बाद इसको किसी सूखे हुए जार में डाल करके और इसमें सरसों का तेल ऊपर तक अच्छे से डाल दें। और यदि आप तेल कम खाना पसंद करते हो तो इसमें आप 2 चम्मच सिरका डाल दें छोटे चम्मच से। यहाँ पे देखें अभी सारे मसालों को अच्छे से मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगी। और इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी कलर के लिए मैं डालूँगी। और तीखापन के लिए इसमें मिर्च, पहले लाल मिर्च मैं डाल चुकी हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और इसको अच्छे से जार में भर लें और 2-4 दिन इसको धूप में रखें। 2-4 दिनों को धूप में रखने के बाद अचार रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि कितना अच्छा अचार यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा बना है। आप भी बनाएं, खाएं औरों को खिलाएं। और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।